Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we are going to find the square root by division method. It's very easy process. Question likhna hai 324. Yahan pe aapko dekh nikala, sorry. 3 3 3 is 9, 4 4 is 16, 5 5 is 25. Ab maine division method se iska square root find karna hai. So it's very easy process. To main pehle kya karunga? 1 ko 1 se multiply kiya to mere paas 1 aata hai. 2 se multiply kiya to 4 aata hai hamare paas yahan pe. Okay, now करना क्या है फर्स्ट स्टेप के अंदर सबसे पहले हमने क्या करना है पेयर बनाना है ये एक ही है तो इस तरह हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे और इसका एक पेयर बना लिया मैंने जिस ये सिंगल है आगे फिर जो दो पेयर बन गए अब मैंने यहाँ से पिक करना है नंबर और सेम नंबर मैंने यहाँ पे भी लिखना है और उसे मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर से देखिए टू टू से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास फोर आता है वन को वन से करूँ तो वन आता है फोर जो है ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर है तो मैं क्या करूँगा आई विल नॉट गो फॉर दिस वन तो मैं क्या करूँ वन वन जार वन पिक करूँगा तो वन वन टाइम क्या होता है वन होता है फिर इसे हम माइनस करेंगे तो थ्री में से टू माइनस थ्री में से वन माइनस किया तो टू आ गया नेक्स्ट पूरा पेयर नीचे हम उतार लेंगे तो यहाँ पे पास 24 आ जाता है अब क्या करना है ये जो हमने मल्टीप्लाई किया इस वन को इसके साथ ऐड कर देंगे जैसे ही हम इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास टू आ जाता है अब नेक्स्ट हम नंबर हमने फाइंड आउट करना है जो हम यहाँ पर भी रखेंगे और जहाँ पर भी रखेंगे हमारे पास कम्प्लीटली ये वाला आंसर आ जाए तो हम क्या करेंगे हम देखते हैं लास्ट डिजिट फोर है तो फोर कहाँ से आ सकता है देखिए एट को एट से मल्टीप्लाई 64 आता है तो मैं ट्राई करता हूँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू है तो एट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ एट एट हज़ार कितना होता है 64 होता है 64 यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैं यहाँ लिखता हूँ फोर और सिक्स इधर सिक्स कैरी एट टू हज़ार 16 16 में सिक्स ऐड करें तो हमारे पास हो जाता है 22 तो देखिए हमारे पास आंसर आ गया तो मैं यहाँ पे भी एट लिखूँगा यहाँ पे भी एट लिखूँगा and then you will write over here 224 minus करें you will get 0 so here is your answer तो square root क्या आएगा इसका square root है 18 by division method thank you very much